Hello friends, welcome back to the part 2 video of future proof portfolio. Jaisa ki maine friends kal bataya tha ki jo agle 5 jo coins hain unko main part 2 mein cover karunga, so I am now covering those 5 coins. So friends, before I move forward, main koi financial advisor nahi hu, so please do your own research before putting any money. Apna जो पैसा है अपने रिसर्च पे आप इन्वेस्ट करो. डू नॉट ट्रस्ट इन एनीवन इंक्लूडिंग माय सेल्फ. सो फ्रेंड्स, आप कुछ भी इन्वेस्ट करते हो, यू हैव टू अंडरस्टैंड द रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो. मतलब आपका रिवॉर्ड कितना है वर्सेस योर रिस्क. यानी कि जो रिवॉर्ड होना चाहिए हमेशा, जो पोर्शन होना चाहिए रिवॉर्ड का, वो ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू रिस्क. तो यहां से क्या रिस्क हो सकता है उसको भी समझना बहुत जरूरी है. सो फ्रेंड्स, मुझे जो लगता है मार्केट कहीं ना कहीं जो मेजर करेक्शन देख चुका है, बट नोबडी कैन प्रेडिक्ट द एग्जैक्ट टॉप और एग्जैक्ट बॉटम. और हो सकता है कि यहां से भी मार्केट एक करेक्शन ले ले, और जो भी आप बाई कर रहे हो सकता है यहां से 30% या 50% तक डाउन जा सकता है. सो आपको यह हमेशा दिमाग में रखना है. लेकिन जो रिवॉर्ड है उसके अगेंस्ट, वो है एनीवेयर बिटवीन 1500% टू 3000% और इवन मोर. यानी कि 50% का आपका रिस्क है और जो रिवॉर्ड है वो 10, 20, 30 या 50x का है अगर आप इन्वेस्ट करते हो इस रेट पे. तो मेरा जो सजेशन यही होगा फ्रेंड्स कि आप पार्ट्स में बाई करो. हो सकता है मार्केट एक लॉन्ग कंसोलिडेशन में चला जाए. इनफैक्ट है, पिछले 6 से 8 महीने से मार्केट जो है कहीं ना कहीं करेक्टिव फेज में है या कंसोलिडेशन फेज में है. तो हो सकता है फॉर नेक्स्ट 2 months, 3 months और मे बी 6 months और ईयर, यू नेवर नो, हो सकता है 1 साल तक ये मार्केट बिल्कुल कंसोलिडेट करे और एकदम से फिर जो है वो चलना शुरू करे. लेकिन एज लॉन्ग एज अगर आप अच्छे कॉइन्स में हो, इफ यू आर बाइंग, इफ यू आर इन टू राइट कॉइन्स, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है. सो अभी की जो फिलोसफी है फ्रेंड्स वो है बाई राइट एंड सिट टाइट. फंडामेंटली अच्छे प्रोजेक्ट में आप SIP करो या एक्यूमुलेट करो और अगले 2 साल का व्यू रखो 2020 का, तो मुझे लगता है रिस्क टू रिवॉर्ड जो है वो काफी बड़ा है जो अगेंस्ट योर रिस्क. तो फ्रेंड्स, विदाउट फर्दर ड्यू, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पिक. जैसा कि आप मेरा स्क्रीन देख सकते हो, ये है आइकॉन. आइकॉन को मैंने कई बार कवर भी किया है अपने चैनल पे और मेरे पोर्टफोलियो का भी हिस्सा है आइकॉन. सो आइकॉन जो प्रोजेक्ट है, ये कोरिया, साउथ कोरिया का प्रोजेक्ट है. एक फिनटेक कंपनी है जिसका नाम है डेली फाइनेंस ग्रुप, उसी का ये वेंचर है आइकॉन क्रिप्टो करेंसी. और जो डेली फाइनेंस ग्रुप है वो एक ओनर है एक एक्सचेंज का जिसका नाम है कॉइन वन, जिसकी वॉल्यूम ओवर 100 मिलियन की है इस मार्केट में. बाकी बुल रन में $800 मिलियन का वॉल्यूम मेंटेन करता था एक्सचेंज. और जो डेली फाइनेंस ग्रुप है फ्रेंड्स, उसकी जो पार्टनरशिप है वो सैमसंग और ह्यूंडई के साथ है. तो कहीं ना कहीं बहुत ही लेजिट है और बहुत ही रिकग्नाइज्ड कंपनी है डेली फाइनेंस, जो कि आइकॉन के लिए एक बहुत पॉजिटिव साइन है. टीम बहुत अच्छी है, ब्लॉकचेन डेवलपर्स हैं, एक्सपीरियंस्ड लोग हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर, ब्लॉकचेन स्पेस को समझते हैं. 30 से ज्यादा मेंबर्स हैं इनके और ये कंपनी जो है वो कहीं ना कहीं आउट ऑफ द ब्लू नहीं आई है. ये कंपनी बहुत पुरानी है, ऑलमोस्ट 2.5 ईयर से इसका डेवलपमेंट पे काम चल रहा है और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस, रियल वर्ल्ड यूज केस आइकॉन के पास है. अभी टॉप 3 कोरियन यूनिवर्सिटीज जो है वो ICX की टेक्नोलॉजी यूज कर रही है जिसका नाम है लूप, और डिवेलप कर रही है अपना सोल्यूशन यूनिवर्सिटी कॉइन. और इसका जो पायलट टेस्ट है वो भी हो चुका है और इसको इट रिसीव्ड अ ग्रांट फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ क्रिएशन एंड साइंस, यानी कि मिनिस्ट्री का अप्रूवल भी मिला हुआ है. और कुछ टॉप कंपनीज हैं, इंश्योरेंस कंपनीज और हॉस्पिटल्स हैं साउथ कोरिया में जिन्होंने अपना पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है इनकॉर्पोरेटिंग द ICX ब्लॉकचेन. यानी कि ICX ब्लॉकचेन पे वो अपना पायलट प्रोजेक्ट बना रहे हैं. तो कहीं ना कहीं आइकॉन का जो नेटवर्क इफेक्ट होगा वो बढ़ेगा. और साउथ कोरिया एक क्रिप्टो फ्रेंडली नेशन है और वहां के लोग बहुत ही ज्यादा क्रिप्टो में इंटरेस्ट रखते हैं और कहीं ना कहीं रेगुलेशंस भी काफी फेवरेबल है. तो मुझे लगता है कि इसको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा आइकॉन को टू ग्रो इन साउथ कोरिया.
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पिक, जो नेक्स्ट पिक है फ्रेंड्स वो है 0x. 0x इज अगेन वन ऑफ माई फेवरेट कॉइन और मैं ऑलमोस्ट एक साल से होल्ड कर रहा हूँ 0x को. मैंने इसके ICO में पार्टिसिपेट किया था लास्ट ईयर 15 अगस्त को इसका ICO आया था. मैंने अच्छा गेन बनाया, ऑलमोस्ट 80-90% का मैंने अपना क्वांटिटी बेचा. आई एम स्टिल होल्डिंग सम ऑफ द क्वांटिटी ऑफ माई 0x. सो फ्रेंड्स 0x जो है अभी 67 सेंट्स इसका प्राइस है और जो मार्केट कैप है वो 360 मिलियन का है. 0x के बारे में मैं जब सोचता हूँ तो अगर मेरे को एक सिंपल डेफिनेशन देना हो तो 0x इज ऑल अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन. यानी कि आप कुछ भी डिसेंट्रलाइज्ड बिल्ड कर सकते हो 0x के टेक्नोलॉजी के ऊपर, 0x के प्रोटोकॉल के ऊपर. जैसे कि डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस जैसे DDEX है, IM टोकन है और भी बहुत सारे ऐसे इथफिनिक्स है, तो ऐसे बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं जो 0x के प्रोटोकॉल पे अपना एक्सचेंज बिल्ड कर रहे हैं और यूज कर रहे हैं. प्रेडिक्शन मार्केट्स भी आप इस पे बिल्ड कर सकते हो लाइक ऑगर, जिनोसिस और कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि बिल्ड कर रहे हैं प्रेडिक्शन मार्केट. स्टेबल टोकन्स जैसे ट्रू यूएसटी है, मेकर है या टेदर है, तो इस तरह के प्रोजेक्ट ऑलरेडी है 0x पे स्टेबल टोकन्स. डिसेंट्रलाइज्ड लोन्स जैसे कि हमारा लोन सर्विस है जैसे सॉल्ट है या इथलैंड है, वो पूरा का पूरा डिसेंट्रलाइज्ड सॉल्यूशन, उस तरह का सॉल्यूशन डिसेंट्रलाइज आप बिल्ड कर सकते हो यूजिंग 0x प्रोटोकॉल. फंड मैनेजमेंट, एवरीथिंग इज डिसेंट्रलाइज्ड. तो कहीं ना कहीं जो अभी सिस्टम है लाइक सॉल्ट टोकन हो, या मैं बात करूं बिटमैक्स की, बिटमैक्स एक डेरिवेटिव्स, एक मार्जिन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है लेकिन वो सेंट्रलाइज है. लेकिन इसी तरह के और भी आप सेम सॉल्यूशंस बिल्ड कर सकते हो लेकिन वो डिसेंट्रलाइज होंगे, किसी का कोई कंट्रोल नहीं होगा. 0x इज एन ओपन परमिशनलेस प्रोटोकॉल अलाउिंग फॉर ERC20 टोकन टू बी ट्रेडेड ऑन द इथेरियम ब्लॉकचेन. आप 0x प्रोटोकॉल यूज करके ERC20 टोकन कन्वर्ट कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो बैक एंड फोर्थ. जैसा कि मैं भी बिलीव करता हूं और आप लोग भी क्रिप्टो को फॉलो करते हो तो आपको बिलीव होगा कि आने वाले टाइम में जो भी ट्रेडिशनल मनी है या ट्रेडिशनल एसेट्स है सारे टोकनाइज्ड होंगे. तो कहीं ना कहीं इस तरह के सॉल्यूशंस की डिमांड होगी जो 0x के प्लेटफॉर्म है, वहां पे अपना डिसेंट्रलाइज प्रोडक्ट आप बिल्ड कर सकते हो. 0x प्रोवाइड्स प्रोटोकॉल टू बिल्ड ट्रस्टलेस एक्सचेंज, शेयर्ड लिक्विडिटी एंड ओपन सोर्स रीलेयर्स. जैसा कि मैंने इनिशियली फ्रेंड्स बता दिया कि ये इस तरह से आप कुछ भी बिल्ड कर सकते हो. जो रीलेयर्स हैं जो कि 0x के प्रोटोकॉल पे बिल्ड किए जा सकते हैं, जो 2018 में इनका प्लान है, रोड मैप है और इनफैक्ट एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं. स्टेबल कॉइन कन्वर्टर लाइक ट्रू यूएसटी, शॉर्टिंग मार्जिन ट्रेडिंग का एक प्लेटफॉर्म है B0x एंड लैंड्रॉइड, एक बिल्कुल एग्जैक्टली बिटमेक्स की तरह है बट वो डिसेंट्रलाइज्ड है. डिसेंट्रलाइज्ड स्पोर्ट्स बेटिंग जैसे ऑगर, जिनोसिस, स्टॉक फ्यूचर्स जैसे हम फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड करते हैं इक्विटी मार्केट में, वो भी डिसेंट्रलाइज्ड प्रोडक्ट बिल्ड हो रहा है 0x के प्लेटफॉर्म पे. टोकन सेल एज अ सर्विस, ये भी आप प्रोडक्ट बिल्ड कर सकते हो. इनफैक्ट 0x ने यही फीचर यूज किया था अपने टोकन सेल में. बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स है जो कि 0x प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं. मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड करूंगा जहां पे आप पूरा देख सकते हो क्या क्या अभी बिल्ड हो रहा है और क्या रोड मैप है इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कॉइन. सो फ्रेंड्स जो अगला कॉइन है वो है नियो. अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो मैंने कई बार नियो को कवर किया है. मैंने लास्ट ईयर नियो बाय किया था अराउंड $5 और वहां से $180 तक गया था और अभी मार्केट क्रैश होने के बाद बहुत ज्यादा नीचे आ गया है, $16.99 यानी कि $17 पे अभी ट्रेड कर रहा है. सो फ्रेंड्स मुझे लगता है नियो इज नॉट फिनिश्ड येट. बहुत ज्यादा फर्ड अभी क्रिएट हुआ और नेगेटिव सेंटिमेंट है टुवर्ड्स नियो. अभी कुछ रिसेंट इंसिडेंट हुआ था जहां पे नेटवर्क जो था वो शट डाउन हो गया था और दो ब्लॉक इकट्ठे जनरेट हो गए थे और कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज भी किया जा रहा था नियो को फॉर इट्स सेंट्रलाइजेशन. लेकिन मुझे लगता है नियो एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है और दिस इज हियर टू स्टे. हालांकि मैंने अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा डाइवर्सिफाई किया है, 50% जो अमाउंट है मैंने ओंटोलॉजी में शिफ्ट किया है, लेकिन मुझे अभी भी लगता है नियो की जो बैकिंग है, जो टीम है और जो स्ट्रांग नेटवर्क इफेक्ट है, कहीं ना कहीं ये लॉन्ग टर्म में सस्टेन करेगी ये कंपनी. और इसका जो TPS है वो अभी भी इथेरियम से ज्यादा है. अगर मैं बात करूँ कम्युनिटी की तो
इस ये सेकेंड लार्जेस्ट कम्युनिटी है आफ्टर इथेरियम, मतलब जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म है इथेरियम के बाद सबसे ज्यादा डी एप्स इसी के नेटवर्क पे है, और कम्युनिटी इथेरियम के बाद सबसे ज्यादा इसी की है। अगर मैं बात करूं रेडिट या ट्विटर की तो आप देख सकते हो 322,000 मेंबर्स ट्विटर पे है, या रेडिट पे भी आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा नंबर है, और सेकेंड लार्जेस्ट डी एप्स नेटवर्क है आफ्टर इथेरियम। अभी रिसेंट पास में बहुत सारे डी एप्स जो थे उन्होंने स्विच किया फ्रॉम इथेरियम टू नियो ब्लॉकचेन, जैसे कि एडेक्स था या पिक्सियो चेन या और भी है जो कि आई डोंट रिमेम्बर इट एज ऑफ नाउ। नेक्स्ट जो है एक अपकमिंग आईसीओ है नियो का, जो कि एक सिक्योरिटी टोकन होगा और हाईली एंटिसिपेटेड आईसीओ है। स्विचियो ऑलरेडी एक्सचेंज है, जैसा कि हमारा इथर डेल्टा या आईडेक्स है जो ERC20 बेस्ड डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, वैसे ही स्विचियो और नेक्स्ट जो है आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं लिक्विडिटी इंप्रूव करेंगे, वॉल्यूम इंप्रूव करेंगे, एंड इट विल बी वेरी इजी टू ट्रेड NEP5 टोकन्स जो कि नियो बेस्ड टोकन्स होते हैं। और मुझे लगता है फ्रेंड्स नेक्स्ट और नॉस जो कि बहुत ही हाईली एंटिसिपेटेड आईसीओ है, इनके जैसे ही ये लॉन्च होंगे तो मुझे लग रहा है नियो के प्राइस को बूस्टअप मिलेगा, लोगों को नियो बाई करना होगा टू बाई इनटू दीज आईसीओज। फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं एयरड्रॉप्स की तो नियो के जो एयरड्रॉप्स होते हैं वो काफी हेल्दी होते हैं। ओंटोलॉजी का एयरड्रॉप कोई नहीं भूल सकता, जिसने भी ओंटोलॉजी का न्यूज़लेटर सब्सक्राइब किया था 1000 टोकन्स फ्रेंड्स मिले थे, जिसकी वैल्यू अभी भी ऑलमोस्ट $2,000 है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख। और वैसे भी एयरड्रॉप मिला था, अगर आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया था न्यूज़लेटर फिर भी आपको एक स्मॉल एयरड्रॉप मिला था। MCT का भी एयरड्रॉप बहुत अच्छा था। RHT जो रिडीमेबल हश पे टोकन है, जैसे कि इथेरियम पे क्रिप्टो किटीज है, वैसे ही एक कलेक्टिबल्स है RHT जिसकी वैल्यू ऑलमोस्ट $34 है, एक टोकन फ्रेंड्स मुझे भी मिला था RHT का। और अगर बात करूं रोड मैप की तो ये बाई 2020 1 लाख TPS जो है वो अचीव करना चाहते हैं विदाउट एनी शार्डिंग। तो फ्रेंड्स बिल्कुल ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है लॉन्ग टर्म के लिए, और मुझे लगता है अगर आप इसमें हो तो आपको बने रहना चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोजेक्ट। सो फ्रेंड्स जैसा कि आप मेरे स्क्रीन देख सकते हो जो अगला प्रोजेक्ट है वो है EOS, जो कि अगेन एक पब्लिक ब्लॉकचेन है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म है। और EOS और ADA कहीं ना कहीं एक हाई क्वालिटी पब्लिक ब्लॉकचेन है, जो कि मेरे को लगता है कहीं ना कहीं इथेरियम के लिए एक थ्रेट पैदा कर सकते हैं इन कमिंग फ्यूचर, इन नेक्स्ट 2 to 5 years। सो EOS और ADA डेफिनेटली जो है डिजर्व करते हैं आपका पोर्टफोलियो। EOS जो है वो मोस्ट पावरफुल इंफ्रास्ट्रक्चर है फॉर द डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस, इट सपोर्ट्स थाउजेंड ऑफ कमर्शियल स्केल डी एप्स, सो ये पूरा का पूरा स्केलेबल है, फ्लेक्सिबल है फ्रेंड्स, यानी कि बड़े बड़े आप एप्स जो है उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो EOS के ब्लॉकचेन पे, काफी फास्ट है और फ्यूचरिस्टिक है, बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल है, यानी कि आप जो ऐप है उसको फ्रीज एंड फिक्स कर सकते हो। और मैं बात करूं फ्रेंड्स इसकी टीम की तो टीम भी काफी एक्सपीरियंस्ड है और इस इंडस्ट्री की समझ है, दे नो इन एंड आउट अबाउट दी ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो करेंसी स्पेस, और जो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी काफी इंप्रेसिव है, लाइक ADA की भी जो टीम है उसका भी पास्ट जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो काफी इंप्रेसिव है, उन्होंने काफी कुछ बिल्ड किया है इन द पास्ट। वैसे ही US के जो फाउंडर है डैन लेरिमर, उन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किए हैं, स्टीमिट को कौन भूल सकता है फ्रेंड्स, स्टीमिट का बहुत ही अच्छा यूज केस है, बिट शेयर्स एक एक्सचेंज है, तो इस तरह के उन्होंने सॉल्यूशंस बिल्ड किए हैं ब्लॉकचेन स्पेस के अंदर। EOS VC करके एक प्रोग्राम है जो कि इन्वेस्ट करती है फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज और EOS के ग्रोथ के लिए, तो एक वेंचर कैपिटलिस्ट इनका अपना फंड भी है जिसका नाम है Block.One। सो Block.One हैज कमिटेड टू इन्वेस्ट ओवर 1 billion इनटू फंड्स फोकस्ड ऑन द ग्रोथ ऑफ द EOS इकोसिस्टम, यानी कि EOS को कहीं ना कहीं स्केल करने के लिए, EOS को फ्यूचरिस्टिक बनाने के लिए ये जो Block.One जो कंपनी है EOS की एक आर्म है वो हेल्प करेगी और इन्वेस्ट करेगी, तो मेरे को फ्यूचर काफी ब्राइट लगता है EOS का। और इंस्टीट्यूशन का भी बहुत जबरदस्त इंटरेस्ट है, कई हेज फंड्स और कई इंस्टीट्यूशंस ने इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है, हालांकि मुझे लगता है थोड़ा ये ओवरवैल्यूड है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन कहीं ना कहीं इसको आप
डिप में एक्यूमुलेट कर सकते हो और दिस प्रोजेक्ट इज हियर टू स्टे, और ये कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट के अंदर लॉन्गजेविटी मुझे दिखती है. मूविंग ऑन टू द लास्ट प्रोजेक्ट लाइटकॉइन. मेनी ऑफ यू विल नॉट अग्री विद मी क्योंकि मैंने क्यों लाइटकॉइन को चूज किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्लो है, ओल्ड जनरेशन टेक्नोलॉजी है. लेकिन अगर मैं बात करूं डिफेंसिव प्ले की या फ्यूचर प्रूफ पोर्टफोलियो की, जहां पे कहीं ना कहीं अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करना है, तो मुझे लाइटकॉइन एक आइडियल कैंडिडेट नजर आता है इस रेट पे. और मुझे लग रहा है डाउनसाइड बहुत बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड है लाइटकॉइन में, और लाइटकॉइन को कहीं ना कहीं कंसिडर किया जाता है सिल्वर टू द गोल्ड, यानी कि बिटकॉइन गोल्ड है तो लाइटकॉइन सिल्वर है. और बिटकॉइन के बाद जो सबसे ज्यादा ओल्ड क्रिप्टो करेंसी है वो लाइटकॉइन ही है, और इट हैज मैनेज टू सर्वाइव मेनी क्रैशेज. कई क्रैश ये कॉइन देख चुका है लेकिन अभी भी ये मार्केट में है, जो कि प्रूफ करता है कहीं ना कहीं आपका कैपिटल जो है वो प्रोटेक्टेड रहेगा. ये एक पेमेंट सिस्टम है, एज अ पेमेंट इसको यूज किया जाता है. दिस इज सेकेंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी बींग यूज एज पेमेंट एट वेरियस मर्चेंट्स. कई मर्चेंट्स इसको एक्सेप्ट करते हैं. ये बिटकॉइन से फास्ट है, इसके अंदर ऑलरेडी लाइटनिंग नेटवर्क इनेबल्ड किया जा चुका है और कहीं ना कहीं रिकग्नाइज है, और इसका नेटवर्क इफेक्ट है, और बहुत लोग लाइटकॉइन को जानते हैं क्योंकि ओल्ड नेम है ये इंडस्ट्री में. जैसा कि मैंने बताया फ्रेंड, डाउनसाइड कहीं ना कहीं प्रोटेक्टेड नजर आता है, और मैंने एक डिफेंसिव बेट के तौर पे इसको पोर्टफोलियो में जगह दी है. और कहीं ना कहीं मेरे को लगता है बिटकॉइन कैश और इसमें एक टफ कॉम्पिटिशन है, और देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है. बट अगर मुझे कोई बोले कि लाइटकॉइन और बिटकॉइन कैश में से आप चूज करो, तो आई विल गो विद लाइटकॉइन, क्योंकि इसकी हिस्ट्री है, इसका पास ट्रैक रिकॉर्ड है, और मुझे लग रहा है ये जो क्रैश है वो सर्वाइव भी कर सकता है. तो फ्रेंड्स, ये था फ्यूचर प्रूफ पोर्टफोलियो, जहां पे मैंने 10 कॉइन्स आपको रिकमेंड किए हैं, और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि ये प्रोजेक्ट फंडामेंटली स्ट्रांग हो और सर्वाइव करे. हो सकता है इसमें से कुछ प्रोजेक्ट डाई कर जाए, ना सर्वाइव करे नेक्स्ट 2 to 5 years, बट मेरे को लगता है 90% केसेस में ये प्रोजेक्ट जो है सर्वाइव करेंगे फॉर द नेक्स्ट 2 to 5 years, और एक बहुत अच्छा गेन आपको देंगे अगर आप इनको होल्ड करोगे. मार्केट का जो नेचर है कहीं ना कहीं वोलेटाइल है, अप एंड डाउन चलता है, बट आई थिंक दिस इज द परफेक्ट टाइम फॉर द वैल्यू इन्वेस्टर, फॉर द ट्रू इन्वेस्टर, जिसको वैल्यू पता है यही टाइम है. आप एक्यूमुलेट करो, जब अगला बुल रन आएगा, जैसे ही एक्सेप्टेंस होगी क्रिप्टो करेंसी की, ये मास एडॉप्शन होगा, ये कॉइन्स आपको बहुत अच्छा गेन देंगे. हो सकता है यहां से जो डाउनसाइड है 50% आप अपना पोर्टफोलियो लूज कर जाओ, लेकिन कहीं ना कहीं 3000% 2000% गेन्स ये पोर्टफोलियो आपको दे सकता है इन द लॉन्गर रन. सो फ्रेंड्स, कुछ स्मॉल कैप्स भी मेरे को बहुत पसंद है, और अगर आप मेरे कम्युनिटी के पार्ट हो तो आप ऑलरेडी जानते हो इन प्रोजेक्ट्स को मैंने डिटेल में कवर किया है. आप इन स्मॉल कैप कॉइन्स को भी कहीं ना कहीं स्टडी कर सकते हो और थोड़ा बहुत इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो. ये भी एक बहुत बड़ा गेन दे सकते हैं. पी चेन, मेन फ्रेम, एलास्टोस, पोलीमैथ, पीपीटी, वॉन चेन, इनका स्ट्रॉन्ग यूज केस है, रियल वर्ल्ड यूज केस है, और मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं एक अच्छे स्मॉल कैप साबित हो सकते हैं आने वाले टाइम में. हो सकता है फ्रेंड्स मैं कुछ डिटेल्ड वीडियो इनके बारे में भी बनाऊं अगर मेरे को टाइम मिलता है तो. तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो. होप आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा. हालांकि अगेन 20 मिनट्स का वीडियो है, बट दिस इज वर्थ वॉचिंग. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें. थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. हैव अ ग्रेट डे.